हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सा हमारा देखिए स्लीव डिज़ाइन देखेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स हमने पहले से कट करके लिया हुआ है। इसकी लंबाई हमने 9 इंच रखी है और इसके बॉटम की चौड़ाई हमने टोटल 7 इंच रखा हुआ है। यहाँ पर 4.5 इंच हमारा यहाँ पर राउंड है हमारा अरमोल का, और यहाँ पर हमने 2 इंच सिलाई मार्जिन रखा हुआ है। तो अब हम सबसे पहले इस तरीके से इसे ओपन करेंगे, और यह हमारा उल्टा वाला पार्ट है और यह हमारा सीधा वाला पार्ट है। अब नीचे की तरफ हमें बॉटम में सिलाई करनी है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर स्ट्रिप कट करके लिया हुआ है जिसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है। और इसे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसके नीचे के बॉटम को देखिए इस तरीके से मिलाते हुए हमें अच्छे से रखना है, और आधा इंच का गैप लेते हुए हमें इसमें अच्छे से सिलाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो है सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इस तरीके से आगे की तरफ हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद देखिए हमें इसके ऊपर एक डाब सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो है दाब सिलाई लग चुकी है। अब हम इस फैब्रिक को इस तरीके से पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था हम उसे ही एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम पीछे तरीके लेकर जाएंगे, और लेकर जाते हुए हम यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पीछे की तरफ हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है, और यह हमारा बॉटम की सिलाई हो चुकी है, और दोनों साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे भी कट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमने लिया हुआ है यहाँ पर कैनवास पेपर, और इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड रखे हैं। तो स्लीव्स को रखते हैं हम साइड में, और कैनवास के ऊपर हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने इसे इस साइड में ओपन है और इस साइड में हमारा बंद है। तो इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर लगभग 3.5 इंच रखा हुआ है, और इसकी लंबाई हमने लगभग 6.5 इंच रखा हुआ है। और इस तरीके से हमें इसे डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद देखिए हमें इस साइड से हमें 0.25 इंच पर हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो यहाँ पर हमने 0.25 इंच का मार्क कर लिया है, और जो हमारे देखिए इस तरीके से खड़े में है इस साइड में, हम यहाँ पर गैप लेंगे 1 इंच का। तो यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्क कर लिया। अब इन दोनों पॉइंट को हमें मिलाना है, तो इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप लेते हुए हम इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए मार्किंग हो चुका है। अब ऐसे ही एक और मार्किंग करना है हमें। तो ये देखिए हमारी दोनों मार्किंग हो चुकी है। अब हम सबसे पहले बाहर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे बाहर वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके अंदर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा अंदर वाला पार्ट देखो कुछ इस तरीके से कटा हुआ है, आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से कट कर लिया। अब हमें कुर्ती जो हमारा स्लीव्स का फैब्रिक है उसमें ही रखते हुए हमें इसे पेस्ट कर लेना है। तो हमने देखिए पेस्ट कर लिया है, और साइड में हमारा देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, हम उसमें भी छोटे छोटे इस तरीके से कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कट लग चुका है। अब हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करते हुए अभी इसके चारों ओर सिलाई कर लेनी है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। और ऐसे ही नए नए डिज़ाइन और वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो डिज़ाइन का हमारे चारों ओर सिलाई था, हमने उसे सिलाई कर लिया है। अब हम इसे इस वाले पार्ट को हम इस तरीके से लेंगे, और इसमें हमें सेंटर मार्क करना है। तो दोनों देखिए प्रॉपर हमने फोल्ड किया हुआ है, और हमारे सेंटर मार्क हो चुका है। ऐसे ही हम स्लीव लेंगे, और स्लीव्स को भी हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद देखिए हमें इस तरीके से इसका सेंटर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी सेंटर जो है मार्क हो चुकी है। अब हम अपना डिज़ाइन लेंगे, और इन दोनों का सेंटर मिलाते हुए हमें अच्छे से रखना है, और यहाँ पर हम पिन से सिक्योर कर लेंगे जिससे सिलाई करते समय हिले ना, और इसके अंदर साइड में हमें सिलाई करनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए जैसे ही हमारा कैनवास पेपर गया हुआ है ना, सेम हमें उसी तरीके से हमें इसके साइड से यहाँ पर सिलाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो है सिलाई अंदर के साइड की हो चुकी है। अब हम इसमें इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने धागे को कट कर लिया है, और ये देखिए हमारे अंदर साइड का सिलाई कुछ इस तरीके से हुआ है। अब हमें इसके अंदर वाले फैब्रिक को हमें कट करना है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से फैब्रिक को पकड़ेंगे और छोटा सा कट लगाएंगे, और इसके चारों ओर हमें देखिए 0.5 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने फैब्रिक को जो है कट कर लिया है। अब इसके अंदर साइड में जो हमने फैब्रिक छोड़ा है ना, उसमें भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा कट हो चुका है। अब हम कैनवास को इस तरीके से लेकर जाएंगे पीछे के साइड में,
और इसको अंदर के साइड में हम इस तरीके से डालेंगे। और इसको हम क्या करेंगे, आयन से ना हमें अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो आपको आयन से फिक्स करके दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने आयन से अच्छे से फिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड यहाँ पर ना मेरी मशीन थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो मैं सेकेंड मशीन पर आ गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इसके अंदर साइड के जो हमारा डिज़ाइन है जैसा गया हुआ है उस पर हमें डाप सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे दाव सिलाई लग चुकी है। और यहाँ पर देखिए हमें हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नीचे की साइड में हमें डिज़ाइन बनाना है, तो इसके लिए हमने एक फैब्रिक कट करके लिया हुआ है। तो इसकी चौड़ाई देखिए हमने यहाँ पर रखा है 5 इंच और इसकी लंबाई हमने लगभग रखा है 7 इंच। और इसे हम देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसके चारों ओर ना हमें सिलाई करनी है, सिर्फ थोड़ा सा गैप छोड़ना है जिससे हम इसे सीधा कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं बो, तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे अच्छे से। तो यहीं पे हम रोक देंगे और यहाँ पर देखिए हमने हल्का सा गैप छोड़ा हुआ है, आपको दिखाते। ये देखिए हमने यहाँ पर गैप छोड़ा है इसको सीधा करने के लिए। अब हम सबसे पहले इसके साइड साइड के कॉर्नर्स को हम अच्छे से कट कर लेंगे। और देखिए इस तरीके से हमें इसके जो हमने गैप छोड़ा था ना उसी गैप से हमें इसे पलटी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे इसे और इसके कॉर्नर्स को हमें अच्छे से निकाल लेना है चारों ओर। तो यहाँ पर देखिए मैं ले रही हूँ अपना कैची की मदद सारे कॉर्नर्स को अच्छे से निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे कॉर्नर्स अच्छे निकल चुके हैं। और देखिए जो पार्ट हमारा ओपन है ना, हम इसके अंदर साइड में हमने फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करते हुए देखिए हमने यहाँ पर फोल्ड किया है, अंदर साइड में डाल दिया और इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो है सिलाई हो चुकी है। अब हमें देखिए इसको वो को बनाने के लिए हम यहाँ पर चाहिए एक पतली सी स्ट्रिप। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लगभग 2 इंच का हमने स्ट्रिप कट करके लिया था और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम एक पतली सी स्ट्रिप बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी स्ट्रिप रेडी हो चुकी है। अब हमें देखो वो बनाना है, तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे एक के बाद एक। इस तरीके से आधा आधा इंच का फोल्ड लेते हुए हमें यहाँ पर इस तरीके से हमें बो का शेप देना है। और ये जो हमने स्ट्रिप रेडी किया था ना, हम इसको इस तरीके से लेंगे और इसके पीछे साइड में हमें सिलाई करनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए एकदम कॉर्नर पर ही हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पर बो का जो शेप है हमारा रेडी हो चुका है और एक्स्ट्रा जो पट्टी है हम कट कर लेंगे। अब देखिए बो को हम इस तरीके से इसके सेंटर में हम यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर लगाते हुए हमें स्टिच कर लेना है। तो आपको स्टिच करके दिखाते। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड हमारा ये सिलाई हो चुकी है। यहाँ पर हमारी सिलाइयाँ हो चुकी है। अब हमें इसे पीछे की साइड में लेकर जाएंगे और इसमें हम कट इसको नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है यहाँ पर सिंपल सा बहुत है और इजी तरीके से आप इसे रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।